अभी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ब्रेड में आइसक्रीम. आई फर्स्ट टाइम ट्राई टू ब्रेड एंड आइसक्रीम टुगेदर. देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपको टूरिस्ट दिखेंगे. सो Assalamu alaikum. Who won't teach you? Who teach you? No, I see in the movie. Movies? का 17 थाईबाट लगा तो बहुत ज़्यादा महंगा है मेरे हिसाब से. यू से आप सभी का स्वागत है. आप सभी सभी का स्वागत स्वागत है आपका आपका आप सभी का स्वागत है. सभी का पतके आप सभी सभी का स्वागत स्वागत है. मैं हूँ व्हाट इज योर नेम. एम तो मैं हूँ एम. ओके तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं वाइफ को. ब्लैक नो सी हाउ नो नॉट ब्रेड दिस वन यू लाइक दिस या तो हम आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं यहाँ से लोकल. तो भाई कैसा लगता है और क्या प्राइस है मैं बताता हूँ. देखो भाई इसमें पहले उन्होंने राइस रखा थोड़ा और ऊपर से आइसक्रीम कोकोनट आइसक्रीम. ओके एंड हाउ मच हाउ मच 14 बात. ओके 5 राइट. तो भैया ये 25 रुपये का है मीन्स इंडिया का लगभग 65 रुपया हो जाएगा. ओके इट्स गुड. अलॉय तो गुड अच्छा है यार. अभी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ब्रेड में आइसक्रीम. आई फर्स्ट टाइम ट्राई टू ब्रेड एंड आइसक्रीम टुगेदर. तो भैया मुँह ने बनवाया था आइसक्रीम विद ब्रेड और विद जेली था. अच्छा था यार एक्सपीरियंस अच्छा था. उसकी कॉस्ट पड़ी मुझे 25 रुपया मतलब सही है अच्छा था. इट्स गुड टेस्ट. तो आप भी आओ तो ट्राई कर सकते हो. जा रहे हैं 7-Eleven में जो कि आप लोगों को भी पता होगा कि थाईलैंड का बहुत फेमस सुपरमार्केट है. तो आपको मैं दिखाता हूँ ये है 7-Eleven का साइन दिख जाएगा आपको इस कलर का होता है और हर जगह 200 मीटर 500 मीटर पर आपको 7-Eleven मिल जाएगी. एवरीवेयर इन द थाईलैंड 7-Eleven राइट. तो ये है भैया 7-Eleven. Yeah? No, so sweet. So sweet. This very. You like this one? Yeah. Okay. I can try this one now. Yeah, you can try. Okay. So देख लो ये लगभग 15 रुपए का है मतलब 15 थाई बात का उस हिसाब से सोच लेना आप. Where is? You like this one? Okay. This is. Where is water? Oh, water. One second. ओके यस ओके सो ये बोतल जो है ना 6 थाई बाट का उस हिसाब से आप जोड़ लेना कितना होता है. हमें बोर्ड लेना पड़ेगा या हम ब्रिज क्रॉस करके ऐसे ही जा सकते हैं तो देखते हैं. ओके दिस वन. तो ये रास्ता है. ओके नो दिस वन. ओके खातियान एरिया. तो ये खातियान एरिया में अभी हम और अगर आप आ रहे हो तो खाउसन रोड में ही रुकना सबको नज़दीक है 2-3 किलोमीटर के अंदर. तो ये अच्छी चीज़ है. आई थिंक द बेस्ट प्लेस यू स्टे इन खाउसन रोड राइट. या तो भाई देख लो ये. Yeah, you remember that. Okay. You always remember. तो हम लोग घूम फिर के वही जगह आ चुके हैं तो अब चलेंगे हम. मैं बहुत सारी कंट्री घूमा हूँ लेकिन थाईलैंड कितना मैंने टूरिस्ट देखा नहीं है वाकई में. इसके लिए उन्होंने यहाँ हर चीज़ सिस्टम बना रखा है. हम आ चुके हैं पोर्ट पे और यहाँ से लेंगे पोर्ट जो कि एक ही स्टॉपेज है खाली. इस पार से उस पार ले जाएगी और देखते हैं इसका प्राइस कितना है. फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम इंडिया. तो मुँह चाइना से है मैं इंडिया से. नहीं हो माँ
मैं इंडिया से हूँ और ये चाइना से। ये है एरिया, वहाँ ले जाएगा हमें, बॉर्डर रूम सामने दिख रहा होगा। ये व्यू देखो, यहाँ से नाव जाती है और लोग यहाँ फ़ोटो लेते हैं। सो व्यू आपको मैं फेरी का टाइम बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये है फेरी का टाइम। ओके ओके, आई हैव चेंज, सॉरी। ओके ओके ओके, लेट्स गो। सो तो इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हम बहुत फेमस एरिया वात अरुण को, तो हम पकड़ेंगे सबसे पहले पारी, सबसे पहले हम पकड़ेंगे बोट, जो कि फेरी भी बोल सकते हो आप, जिसका प्राइस है 5 बात। तो चलिए देखिए, हम लाइन में खड़े हुए हैं और पहला ट्रांसपोर्ट है जो मुझे चीप लग रहा है। 5 बात मतलब 12 रुपये या 13 रुपये हो रहे हैं, तो ठीक है। देख सकते हो यहाँ ऑलमोस्ट टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। ये एक ऐसा कंट्री है और ये एक ऐसा सिटी है जहाँ मैं बोल सकता हूँ 85% सिर्फ टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। तो चलिए हम चढ़ते अपनी बोट पे। यू डोंट नीड टिकट राइट, जस्ट यू पे एंड कम राइट। ओके, यहाँ ओके, आप सिर्फ पैसा दो और अंदर आओगे, कोई टिकट विकट नहीं होता फेरी का। तो आप पैसा दो और अंदर आ जाओ, कोई आपके टिकट के लिए पूछेंगे। जस्ट 2 मिनट आई थिंक राइट भैया, 2 मिनट लगेगा, पहुँच जाएंगे वॉट अरुण। का शौक़ है जाने का, देखो ऐसे कपड़े अलाउड नहीं है इनसाइड, आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉरनर के लिए टिकट है और जो थाई लोग हैं उनके लिए टिकट नहीं है। तो फॉरनर के लिए टिकट है, 200 बात कैश देना होगा आपको। तो ओके, यू पे, यू डोंट वांट टू, तो ये फ्री है, देन यू गेट आउट, यू गिव दैट। तो ये फ्री है क्योंकि हाथ कड़ा अलाउड नहीं चलता है यहाँ, तो ये फ्री है, आपकी मर्जी, 10 दो 20 दो मत दो, ये कोई फोर्स नहीं है, आपके मर्जी के ऊपर है। तो हम आ चुके हैं अंदर, ये है वहाँ तरुण राइट। दिस इज ड्रेस फॉर वहाँ तरुण, दिस इज ट्रेडिशनल ड्रेस राइट। ओ माई गॉड, शी इज लुकिंग सो क्यूट। तो गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है भाई, कपड़े सादे भीग गए हैं, इंडिया की तरह सेम है। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ का, लेकिन आपको रेंट करना पड़ेगा, विदाउट रेंट नहीं है ये, देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको टूरिस्ट दिखेंगे। सो वांट टू गो, और ये जो आपको ड्रेस दिख रहा होगा, दिस इज ड्रेस फॉर ट्रेडिशनल हेयर राइट। यू कैन ओल्ड ट्रेडिशनल एंड यू नॉट फॉर बाय, जस्ट फॉर रेंट, मेकअप एंड हेयर स्टाइल एवरीथिंग, मेकअप एंड दिस एवरीथिंग इज, हाउ मच डू यू नो अबाउट दिस? आई डोंट नो। ओके, ये नहीं जानते, मे बी 200 और 300। ओके, 16 इंच लगभग 12 इंच की सीढ़ी है, हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ चुके हैं, सीढ़ी वहाँ तक गया हुआ पूरा, लेकिन अभी ये बंद है, सॉरी। ये ऊपर फोटो खींचने के लिए लोग लाइन लगा के हैं। बाद में
ओके आई डोंट नो हाउ टू से बी इन हेड हेडफोन हेडफोन ईयरबड ईयरबड ये आर नॉट ओके ये आर नॉट बलास्ट हां ओके इसको डर लग रहा है इतने ऊंची में इतना ऊंचा सीरी में डर लग रहा है ओके नाउ यू से एंड सीढ़ी थोड़ा ऊंचा बस देख सकते हो आप भाई गर्मी बहुत है और ये स्टिकर लगा हुआ है तो आप कहीं भी चाहो तो घूम सकते हैं डू यू वांट टू सी ओके यस हम थोड़ा बैठ जाते हैं थक गए यार ऊपर नीचे बाकी हर जगह चढ़ ओके तब से चल रहे लगभग 7-8 किलोमीटर चल चुके हैं सो व्हाट अबाउट द फीलिंग टुडे इट्स गुड एडवेंचर राइट आई थिंक या यू आर फ्रॉम चाइना आई एम फ्रॉम इंडिया ये जहाँ भी जाती है तो लोग इसको फॉरनर समझते हैं क्योंकि यहाँ फोटो सेक्शन चल रहा है तो यार अच्छा खासा पार्क में बैठे हुए थे सब यहाँ पर खड़े हाँ Say, you look like who? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How do you say Assalamu alaikum? Say one again. One second. Assalamu alaikum. Who one teach you? Who teach you? No, I see in the movie. Movies. Oh, okay. When another one reply, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalam. In Thailand, have a Muslim? Yeah, have. So Thailand में Muslim population. South of LA have many Muslim. तो आ चुके हैं हम exit line पे और बहुत थक गया हूँ मैं. वैसे भी शाम हो गई लगभग 5-6 बज रहा है. ये यहाँ से 2 घंटे दूर रहती है. तो इसको घर जाना और मैं भी थक गया हूँ. तो मैं अपने hostel जाऊँगा. ये सतेमला, ये सतेमला. So this is exit. Cap, we could wear. Want to eat food nice? Okay, cap. We can try. So okay. We could go because today we just. Yeah. We can try. We also cap about to eat anything. Why we be like that? Okay, so हम जा रहे हैं कुछ खा लेंगे उसके बाद अपने घर निकलेंगे और मैं अपने hostel जाऊँगा. Okay, we can try Thai food. Yeah. Okay. Black. तो black match कर रहा है. Yeah. Thai food try करने और देखते हैं यहाँ क्या मिलता है. तो प्राइस मारा हुआ मजबूरी है भाई चलना पड़ेगा यार बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ टुक टुक वाले हमारे टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरा बस चले तो मैं पूरा थाईलैंड पैदल चल रहा हूँ क्योंकि एज अ यू नो इन थाईलैंड स्पेशली इन बैंकॉक पीपल सी टूरिस्ट दे थिंक दे आर रिच दे आस्किंग 300 baht 200 baht जस्ट फॉर 1 and 2 kilometers तो यहाँ ऐसा होता तो बचना आप लोग भी अवॉइड करना जितना हो सके पैदल चलना बस और मेट्रो यूज़ करना चुका है खाना वट इज़ द नेम पर ये इसने सूप मंगाया है पता नहीं भाई मेरे तो भाषा समझ में नहीं आ रहा तो हम जा रहे हैं मेट्रो में और मेट्रो पकड़ेंगे मैं पहली बार मेट्रो देखूंगा तो आपको भी मेट्रो दिखा रहा हूँ और क्या प्राइस है ये भी बताऊंगा मैं आपको तो भैया एक स्टेशन का 17 Thai baht लगा एक स्टेशन का 17 Thai baht लगा तो बहुत ज़्यादा महंगा है मेरे हिसाब से और ये देखो बैंकॉक की मेट्रो सेम लाइक इंडिया सेम है अपने इंडिया ही जैसा ही है तो हम निकल रहे हैं एग्जिट का सेम है जैसे अपने इंडिया में रहता है ऐसे कॉइन डाल दो और एग्जिट तो सही है सेम है इंडिया वाला सिस्टम है अब जितने स्टेशन जाओगे उतने का पैसा दो बाकी सही है चलते हैं बस पकड़ते हैं और निकलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ और जाके दिखाता हूँ हॉस्टल वगैरह और कौन से एरिया में मैं ठहरा हूँ तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ का बस का प्राइस मेट्रो का और बोट का तो सबसे सस्ता अगर मुझे कुछ लगा बोट और बसेस है बस में भी दो तरह का बस है नॉन एसी यूज़ करोगे तो सस्ता है एसी यूज़ करोगे तो महंगा है और बोट के फिक्स प्राइस है बाकी मेट्रो का बहुत महंगा प्राइस है तो आप नॉर्मल बस लेते हो विदाउट एसी तो वो 8 baht का है अगर आप एयर कंडीशन बस में चढ़ते हो तो वो 15 baht का है तो डबल प्राइस है ये सोच के करना मैं लगभग 40 मिनट से बैठा हुआ था बस नहीं आ रहा था इसलिए मैंने एसी बस ले लिया अब जाऊंगा हॉस्टल से उतरे अब चलते हॉस्टल और आपको दिखाता हूँ हॉस्टल एरिया जहाँ पर मैं रुका हूँ वहाँ पर भी आपको आके क्यों रुकना चाहिए बहुत सारा हॉस्टल का ऑप्शन है और सस्ते भी हॉस्टल का ऑप्शन
तो फाइनली आ चुका हूँ अपने हॉस्टल के यहाँ पे, और मैं जहाँ पे हॉस्टल में रुका हूँ यहाँ दिखा देता हूँ। बहुत सारा हॉस्टल है, लाइन से चार हॉस्टल है, जो एक मिंट हॉस्टल दिख रहा होगा यहाँ। प्राइस आप अगर एक दिन रहना चाहोगे तो 280 लगभग 300 का बेड पड़ता है, तो वो भी आप देख सकते हो। एक ये मिंट हॉस्टल है और दूसरा है पोलो हॉस्टल, इसमें भी सेम प्राइस है, दोनों अगल बगल में है। ये रहा हॉस्टल, और बहुत सारा हॉस्टल है जो नियर वाइज है, कम से कम यहाँ पे 5-6 हॉस्टल है। तो एक ये भी हॉस्टल है, देख सकते हो आप, 3H Bau हॉस्टल, और मैं जिसमें रखा हूँ वो OH हॉस्टल है, जो कि इन सबसे बेटर है, जो कि मुझे 415 रुपये पड़ा। तो मैंने 3 नाइट के लिए टोटल बुक किया है, और बाकी आगे मैं शायद हॉस्टल यूज़ ना करूँ। ये देख सकते हो ये हॉस्टल है, दिखा देता हूँ कि हॉस्टल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो देखो ये हॉस्टल का एक ये बिल्डिंग है इस साइड, और इस हॉस्टल में सेम एग्जैक्टली इस साइड एक बिल्डिंग है। हेलो, बाकी यहाँ किसी को कॉफ़ी वगैरह लेना रहता है। बाकी ये वेटिंग एरिया रहा, तो आप वेटिंग एरिया आप आके बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। ये इंक्लूडिंग हॉस्टल का है, OH हॉस्टल। और बाकी चलता हूँ आपको, मेरा मैं बेड दिखा देता हूँ। मैंने 3 दिन के लिए बुक किया है, बिकॉज क्योंकि रहे ना पूरा सिटी एरिया में इसके लिए, अदर देन मैं हॉस्टल नहीं यूज करने वाला था, लेकिन मजबूरन आपको हॉस्टल यूज करना है। और यहाँ बैंकॉक में सब सारा सिस्टम है, आप चाह के भी पैसा नहीं बचा सकते हो। ना तो किसी हॉस्टल में आपको किचन मिलेगा, और फूड की भी बात रही तो ये लोग सारा सिस्टम करके रखे हैं, हर जगह आपको एक प्राइस मिलेगा, और महंगा मिलेगा तो सस्ता नहीं मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ कॉमन चीज़ है हॉस्टल का, ये टॉयलेट है, 2 टॉयलेट 3 टॉयलेट इन्होंने बनाया है, और ये कॉमन शावर लेने का है। अब ठीक है, और बैंकॉक के बारे में आपने जितना भी सुना होगा, चीज़ें यहाँ बहुत महंगी है, सस्ती कोई भी चीज़ें नहीं है, किसी भी चीज़ को आप ले लो मेरे हिसाब से, एज ए मैं ट्रैवलर हूँ। तो चलो मैं आपको बेड दिखाता हूँ, ज़्यादा सिकवा शिकायत नहीं करते, अभी आ गए तो एक्सप्लोर तो करना ही है। तो यार ये है मेरा बेड, लाइट वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, सबका पर्सनल अपना लाइट है। ये देखो बंक बेड है, जो ये है नीचे, हॉस्टल से बाहर का व्यू। हेलो, हाउ आर यू? Wonderful. How is your stay going, my friend? Yeah. Love spicy food. Yesterday I had masala chicken that I got, which was really, really delicious. Yeah. But I love Indian food. I love Do you know Mexican one thing? Food. I love the Thai, spicy Thai food. Is there one thing here I don't like? What's if, that? If here is kitchen, it's very good for we can cook. But in Thailand, I don't think so. In a hotel, they have like a... I am very used to the same thing, my friend. Yeah, really. I'm right? very sad about this thing. Yeah, I'm so yeah. used to being able to use yeah. the fridge. What use I want, the kitchen. I can do. Yeah. Exactly. What I want, I can do. But it's really sad See, things. I think. तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हकीकत में ये चीज़ बहुत सैडनेस है।